इस चक्कर में बर्ड्स की बहुत जरूरत पड़ रही थी और मेरे बर्ड्स खराब हो गए थे लास्ट बार। और क्या चल भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। और भाइयों, आज का मेरा ऑफिस का टाइमिंग है मतलब 10:30-11 मान लो सर के ऊपर है। जैसा उनका मूड रहा है वैसे वो टाइम चेंज करते रहे हैं। और फिर उनको ये भी लगे कि धूप का माहौल है क्योंकि इतनी गर्मी में बाहर घूमना क्याड़ा काम है। तो इस चक्कर में वो ये कह रहे हैं कि तुम मतलब अपने हिसाब से सेटलमेंट करते रहे हैं कि तुम कभी इतने बजे आ जाओ, कभी इतने बजे आ जाओ। तो आज उन्होंने हमें टाइमिंग दिया था 10:30 बजे का। बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। फिलहाल तो मुझे बहुत ही भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह तो कुछ खा के निकलता नहीं हूँ मैं। ये तो डेली वाली बात है मेरी, यहाँ पे कचौड़ी लगाता है। फिलहाल उसकी कचौड़ी तोड़ेंगे बाहर निकल के, बैग रख के आऊँगा ऑफिस में और फिर कचौड़ी खाने आऊँगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं भैया जस्ट से हाय। भैया रेडी दिए थे बिल्कुल भी हाय करने के लिए, एकदम ही कैमरा घुमा दिया। एक आलू वाली पैक कर देना और एक ही दाल वाली पैक कर देना। हाँ, एक प्लेट दोनों पैक कर दो, एक एक प्लेट दोनों पैक कर दो, एक आलू वाली और एक ही दाल वाली। और भाइयों, मैं तो कचौड़ी पैक करवा के लिए आया क्योंकि वहां पर धूप में खड़ा होना अपने आप में एक टास्क था। और वहां पर फिर ये खाना जिसमें चटनी पड़ी हो, क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वैसी मिर्च के और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलती मिर्च, साथ खाएंगे बैठ के। मैं यही पैक करा के लिए आया, दाल वाली भी ले आया मैं तुम्हारे लिए और अपनी आलू वाली। महीन सर बोलो सही, क्यों नहीं आना? शक्ल दिखा दो साइड से आके अपनी, ऐसे नहीं। तो भाइयों, ये है अपने महीन सर, अपने हेड है जो हमें संभाल रहे हैं यहाँ पर, हमारी हरकतों को संभाल रहे हैं। और भाई बलवीर आजा खा ले, अरे ले ले, खा क्या है, ले क्यों तो ना आया, ले क्यों ना आया मेरे लिए, ऐसी विधि खा के आ गई, तो खा के आई होगी ना, मतलब यार तुम खा। और वे आयुषी, आज मैं ब्लॉगिंग लैपटॉप से कर रहा हूँ, ये लैपटॉप है मेरा, बताओ। विधि जस्ट से हाय, ऐसे हाय बोलो हाथ लगे। उसकी पट्टी उतर गई, इतना एक्साइटेड नहीं होना, मेरी वजह से चोट लग गई उसको। इधर कितना गंदा कैमरा देखा, अंदर देख तेरे मेरे में देख, ये वाला देख और वो वाला देख, साफ नहीं है। अरे साफ कर लिया हमने, कुर्ते से दोनों साफ करे हैं मैंने बैठ के। ब्लड आ जाएगा, चोट लग गई उसको, मत करना मत करना, इतनी एक्साइटेड हो गई और चोट लग गई। नहीं नहीं नहीं, हाय बोलने के चक्कर में बैंडेज थोड़ी लगाएंगे इस पे। विधि एक बार दिखा दो विधि, इसके ऊपर सो हो जाए ऐसे बताओ। इतना अच्छा हार्ट शेप बनाया था मैंने, वाटर वाटर अच्छा है क्या ये हार्ट शेप बनाया था बताओ? अबे हार्ट बना रखी है चोट से देखो। और लंबी मेहनत करने के बाद खाना पेलते हुए ज्यादा मेहनत कर ली, इसको खोल दे यार, इसको खोलो भाई, ये हम पे भी नहीं खुल रहा। तो आज खाने में हमने ऑर्डर करा है आलू जीरा, सेब टमाटर, दाल और रोटी। कौन खाएगा इतनी, किसने ऑर्डर करी है ये? हमने करी है 18 रोटी ऑर्डर भाई साहब। और भाई सीरियसली मैं सोच रहा था कि हमारा ऑन साइट पे काम जाके शुरू होगा, लेकिन सर ने आज ही हमें ऑन जो मार्केट और ऑन ग्राउंड जो रियलिटी होती है वो हमें आज से दिखानी शुरू कर दिया। आ जाओ, आज हमें प्रोसेस पता पड़ेंगे पेंट के, आ जाओ। चलो भाई शुरू करो बेलदारी। और भाइयों, फाइनली आज के मेरे इंटर्नशिप के डे का समापन हुआ और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ वन प्लस के एक्सक्लूसिव स्टोर की तरफ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से मुझे प्रॉब्लम आ रही है एडिटिंग में भी। मेरे पास जो बड्स थे वो ख़राब हो गए थे और मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि कब समय मिले और कब मैं जाऊँ स्टोर पर लेने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं निकला हूँ वन प्लस के स्टोर के लिए, आई थिंक बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा मैं, 15-20 मिनट का रास्ता और रह गया, और वो भी लेना है और साथ में मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं अगर आज टाइम मिला।
तो फिर मैं ज़ारा भी जाऊँगा, देखते हैं अगर समय मिला तो। वो तो खैर मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिलहाल तो इतना परेशान हो चुका था ना मैं, सही बता रहा हूँ एडिटिंग के, क्योंकि होता क्या है कई बार आप मार्केट में होते हो, कई बार आप अभी मेरा इंटर्नशिप भी चल रही है तो उसका भी काम देखना पड़ता है मुझे साथ साथ, तो आप वहाँ बैठ कर ये तो है नहीं कि ओपनली लैपटॉप खोल के डायरेक्ट आप एडिटिंग कर लोगे, आपको सुनना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसमें आपको ईयरबड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस चक्कर में फिलहाल निकले हैं ईयरबड्स लेने के लिए और मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आज अपने वन प्लस के, मैंने डिसाइड कर लिए वन प्लस बड्स 3 ले रहा हूँ। और हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज मैं जिस कार में बैठा हूँ पहले इनसे मिलिए तो मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं किसी ऊबर में बैठा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक कार है। मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि भैया आप ये बताओ कि आप इलेक्ट्रिक कार कैसे चला सकते हैं, तो क्या रीजन है चलाने का? चलाने का ड्राइविंग पसंद है, अपने शौक है, अपनी इच्छा है, बढ़िया गाड़ी ली है तो ओला उबर में लगा दी, थोड़ा सा ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे घूमने, बाहर तो घूमना ही है। और ये बंदा दुबई घूम के आ गया, कहाँ का घूम के आ गया, लेकिन यहाँ पे उबर चला रहे। और मैं खुश शौक हो गया, मैंने कहा इलेक्ट्रिक कार कैसे आ सकती है मतलब उबर में, सीरियसली। दिल्ली की तो चलो खैर बात अलग है, पर जयपुर जैसी सिटी में, पर सीरियसली यार ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है। और खुद सोच के देखो आप लोगों, मतलब एक इंसान दुबई वही कहाँ का घूमा हुआ है, लेकिन वही है एक अपने इंटरेस्ट वाली बात होती है कि इंसान मतलब अभी ड्राइविंग कर रहा है बस इसलिए कि आगे चल के, आपका भी चैनल है ना? हाँ, तो इनका भी ट्रैवलिंग का चैनल है, क्या नाम है चैनल का? वो तो इतना कोई स्पेशल नहीं है, वो तो स्टार्ट किया था बस। अरे तो लेवल तो यही होता है, क्या नाम? ट्रैवल की पाठशाला। अच्छा, ट्रैवल की पाठशाला इनके चैनल का नाम है, अगर आप लोग देख सकें तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं नहीं इसका नहीं, जो आप देख रहे हो चैनल भाई के चले इनको सब्सक्राइब करो मेरा तो नहीं, नहीं 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 जो भी इन्होंने डाला है एटलीस्ट आप जाके देखना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फिलहाल तो मैं पहुंचता हूँ वन प्लस के स्टोर पर और दिखाते हैं आप लोगों को अपने नए बड्स। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, बस स्टोर खुला हुआ हो उसी चीज का हुआ है इंतजार, पता पड़ रहा है कि स्टोर ही बंद हो गया हो। गाइज फाइनली रीच्ड जीटी सेंट्रल, बस अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और भाई बस अंदर एंट्री करी थी, ये बढ़िया है, ये अपना ग्राउंड फ्लोर पे है वन प्लस का स्टोर, बस एंट्री कर रहा हूँ और मिलते हैं आप लोगों से। भाइयों फिलहाल स्टोर के अंदर तो खैर आ चुका हूँ, अभी मैंने इनसे परमिशन लिया है शूट करने की, वरना नॉर्मली स्टोर में अलाउ होता नहीं है शूट करना। और अपने बड्स सामने मिल गए टंगे हुए, और सबसे बड़ी बात है कि लाइन में नहीं लगना पड़ा, पूरा स्टोर खाली पड़ा है पूरा। आगे डॉक्यूमेंट्स में शुभम शर्मा है, और वैसे शुभम कौशिक है रियलिटी में, कभी आप लोग समझो कि फिर चैनल शुभम कौशिक नाम से क्यों है, मतलब रियलिटी में कौशिक है, मम्मी ने बचपन में जल्दबाजी में शुभम शर्मा करवा दिया था स्कूल में, क्योंकि हम शिफ्ट हुए थे हरियाणा, मम्मी ने जल्दबाजी में वहाँ पर शुभम शर्मा करवाया, जब से वो शुभम शर्मा ही चलता हुआ आ रहा है। फाइनली ये टेंशन खत्म हुई, क्योंकि एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब आप ऑफिस में बैठ के कभी फ्री होता था तो वहाँ पर मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सबके सामने तो आवाज़ सुनाऊंगा नहीं सबको कि ब्लॉग में क्या बोल रहा हूँ, इस चक्कर में बड्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी और मेरे बड्स ख़राब हो गए थे लास्ट बार, तो आज फाइनली ले लिए। पेमेंट कैश जैसे हाय मिलते हैं आप लोगों से, हो गया भी अपना डन। चलो भैया, अरे राम। और भाइयों फिलहाल तो मैं फ्लैट के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन मेरा मन था कि मैं आज ही मतलब कपड़े भी लेने थे मुझे, मैं अपना ख़त्म करता है टेंशन की कपड़े वपड़े लेने की, क्योंकि यार काफ़ी दिन से मैं खुद परेशान हो रहा था, मैंने कहा यार क्योंकि हो गया ना यार अब काफ़ी दिन हो गए वही कपड़े घिसते घिसते, इस चक्कर में मैंने कपड़े वपड़े खरीद ले रहे हैं, लेकिन आज भी ये सीन हुआ कि समय मिल ना पाया, मैं लेट हो गया इंटर्नशिप के चक्कर में, वहाँ से लेट छूटे थे मैं, और आज मैं कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो सर ने बोला कि बिल्कुल नहीं डालेगा तुमने यूट्यूब वीडियो में, वो मैं सच में डाल सकता क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, हमसे कुछ काम करवाया था हमारी कंपनी ने, तो इस चक्कर में वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, उन बातों को छोड़ो। फिलहाल तो मैं फ्लैट पहुँचने वाला हूँ, और भाई जस्ट अभी तुम्हारा भाई फ्लैट पे पहुंचा है, और ये टाइम है क्या करने का, अपने बर्ड्स की अनबॉक्सिंग करने का, चलिए साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं। अब मुझे बहुत दिन से दिक्कत हो रही है, मैंने काफ़ी दिन बाद बर्ड्स लिए हैं, इससे पहले भी मेरे पास वन प्लस के बर्ड्स ही, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं भी, बड़े सॉरी मेरा थोड़ा फ्लैट
फैला पड़ा है, उस चीज को इग्नोर करना। तो पहले भी ये वाले बड्स थे मेरे पास वन प्लस की, तो मैं सही बताऊं तो मैंने एक ट्रायल वहीं पे खड़े होकर ले लिया था, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था बाद में कि भाई बेफालतू में रिस्क के बाद में ले कि भाई कैसी आवाज है कैसी ना, क्योंकि कई बार क्या हुआ वॉल्यूम कम रहती है पर क्वालिटी अच्छी रहती है। मुझे चाहिए था दोनों को एकदम मीडियम बेस की, वॉल्यूम भी सही लेवल पे रहे और नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छे लेवल पे रहे और बेस वेस सब बढ़िया हो। तो मैंने वहां चेक करे, भाई साहब तगड़ा से कह रहे तगड़ा बेस है। आप लोगों को फिलहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो भाइयों फाइनली करते हैं अपने वन प्लस बड्स 3 की अनबॉक्सिंग। तो भाइयों इन बड्स में जो मुझे सबसे पहली खासियत लगी वो ये लगी कि इसका जो बॉक्स है वो अब तक के जो भी मैंने बड्स यूज़ करे हैं वन प्लस के या फिर जो भी मेरी नज़रों में मैंने देखे हैं ऑनलाइन वो सबसे सेक्सी बॉक्स है। मतलब व्हाइट और रेड का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन निकाला है वो बहुत सेक्सी कॉम्बिनेशन निकाला है, सीरियसली बहुत बड़ा डिब्बा बनाया है इसका। और भाइयों आप सब लोग सोच रहे हो कि मुझे डिब्बे से क्या ही मतलब, लेकिन भाइयों मुझे डिब्बे से मतलब है क्योंकि इससे पहले जो मैंने बड्स यूज़ करे हैं दो वन प्लस के उन दोनों के डिब्बे मैंने संभाल के रखे हैं और उनमें मैं अपने जो भी है अपना कार्ड एंड ऑल या आधार कार्ड या फिर जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है अपना हार्ड फॉर्म में वो मैं उसमें रख लेता हूँ, क्योंकि ये बढ़िया काम आते हैं रखने में ये सब डॉक्यूमेंट एंड ऑल, छोटे छोटे आधार कार्ड हो गया इलेक्शन कमीशन कार्ड हो गया, तो ये सब मैंने उसी में संभाल कर रखे हैं। इस चक्कर में मतलब काम ही आते हैं कुछ ना कुछ चीज़ रखने के लिए अपनी छोटी मोटी। तो भाइयों अब बढ़ते हैं अपने मेन आइटम की ओर जो कि है हमारे बड्स। तो भाइयों जो इसकी दूसरी खासियत है वो ये है कि इसकी जो ये मैट वाली बॉडी है ये मुझे बहुत पसंद आई। और तीसरी खासियत इसी में है लेकिन वो इसको खोलने के बाद पता पड़ेगी आप लोगों को, अभी दिखाता हूँ मैं। तो भाइयों तीसरी खासियत है इसके अंदर जो कि है इसके बड्स की बॉडी, क्लोज से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें मेरी शक्ल तक दिख रही है देखो शूट करते हुए, इतना ग्लॉसी लुक दिया है ना वन प्लस ने, इतना ग्लॉसी लुक दिया है कि आप पूछो मत। मतलब ये जितने ये बड्स अब तक आए हैं वन प्लस के सबसे ग्लॉसी लुक मिला है। ये देखो अंदर भी देखो, यहाँ पर इसमें गौर से देखो कैमरे की मेरी फ्लैश दिख रही है जलते हुए, ये देखो। ये मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी पूरे बड्स में, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ मतलब इनके बड्स की, तो सबसे बढ़िया चीज़ जो ऑलमोस्ट हर बड्स में कंपटीशन पैदा करती है वो है नॉइस कैंसिलेशन। तो इसमें कंपनी ने बहुत बड़े नॉइस कैंसिलेशन दिया है। और अगर मैं ऑडियो ड्राइवर्स की बात करूँ तो 10.4 mm वूफर दिए हैं कंपनी ने, और जो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो है 15 हर्ट्ज़ का। और इतना लाइट वेट है सीरियसली, एक ईयरबड इसका 4.8 ग्राम का है, ठीक है। और चार्जिंग केस लगा के पूरा ये 40.8 ग्राम का है। और मैं अगर इसके डिस्टेंस की बात करूँ कि कितने दूर तक ये पकड़ेंगे ब्लूटूथ, तो वो है 10 मीटर। और इसका जो वर्जन है ब्लूटूथ वर्जन वो है 5.3। और भाइयों वन प्लस के डिब्बे में हमें बड्स के अलावा ये एक अलग छोटा सा डिब्बा मिलता है, और इसमें हमें मेरे हिसाब से रेड केबल वायरें निकलेगी। हाँ, तो जैसे कि हर बड्स में और फ़ोन में रेड केबल ही देता है वन प्लस, तो इसमें भी छोटी सी ये नन्नी सी वायर दी है साथ में। कि जैसे कोई बंदा जिम में जाता है तो वहाँ स्वेटिंग एंड ऑल होती है, स्वेटिंग को तो छोड़ो छोड़ो, मतलब अगर ये पानी में भी गिर जाए ना तो एकदम इन्हें कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि भाइयों यहाँ पर हमें मिलता है वन प्लस की तरफ से वो चीज़ जो हर एक ईयरबड के यूज़र को चाहिए होती है, मतलब नॉर्मली से ज़्यादा ही मान लो ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है। वो है इसकी काफ़ी बड़ी खासियतों में से एक जो कि है वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस, जो कि इसमें मिलता है ईयरबड्स IP55, जो कि मतलब अच्छा खासा इसे वाटर से बचा लेगा। स्वेटिंग तो ये बहुत छोटी चीज़ है, इसके लिए पानी में भी गिर जाए तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट जल्दी से निकाल लो बाहर विद इन 20-25 सेकेंड्स, जो कि बहुत होते हैं नॉर्मली हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो चार्जिंग की इसकी जो इसकी क्या बोलते हैं उसे mAh जो होता है वो है 520 mAh। और इसका जो अगर हम 50% वॉल्यूम पे चलाएंगे ना तो कम से कम ये 10 घंटे चल जाएगा। 10 घंटे बहुत होता है सीरियसली, इतना हमारे कोई काम करनी है मेरा तो खासकर एडिटिंग, और कभी वॉक पे निकल जाओ बाहर तो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से तो यही सब है इसके बारे में। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट माई ईयरबड्स वन प्लस बड्स 3। और हाँ भाई एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, जो एक यूज़र ज़रूर देखता है कोई चीज़ लेने से पहले वो है इसका प्राइस। तो मतलब भाइयों ये मिलते हैं हमें 5,500 रुपये में, 5,499। और मेरे हिसाब से इसके प्राइस के हिसाब से ये बहुत बढ़िया हमें स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, मतलब अब की बार तो काफ़ी अपग्रेडेशन करा है पुराने वाले बड से। तो भाइयों मेरा मानना ये है कि 1,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ भाई, कोई लोग दिल पे मत लेना, मेरे हिसाब से बेस्ट बड्स यही हैं वन प्लस बड्स 3। तो भाइयों इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग ईयरबड्स ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, तो मेरे हिसाब से आप लोग जा सकते हैं वन प्लस की तरफ। तो फाइनली दिस इज ऑल अबाउट माई वन प्लस बड्स 3 भाइयों।